आईपीएल में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ब्रिटेन में रह रहे ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया है। ललित मोदी ने दावा किया है कि उनको इंटरपोल से राहत मिल गई है। भगोड़े ललित मोदी ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भारत सरकार की अपील को इंटरपोल ने खारिज कर दिया है। ललित मोदी ने 24 मार्च 2017 के इंटरपोल के फैसले की कॉपी जारी की है। इसके मुताबिक उसके लिस्ट में ललित मोदी का नाम नहीं है। इस फैसले को आधार बनाते हुए ललित मोदी की ओर से ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कहा गया है कि भारत सरकार की दलीलों को इंटरपोल ने स्वीकार नहीं किया है। आपको बता दें कि आर्थिक गड़बड़ी के आरोप में फंसने के बाद ललित मोदी 2010 में यूपीए सरकार के दौरान भारत से भाग गए थे। उनको ब्रिटेन से वापस लाने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। अगर मामले में इंटरपोल ने ललित मोदी के खिलाफ नोटिस जारी करने की अपील को खारिज कर दिया है तो यह भारत सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। इसको लेकर राजनीतिक गतिरोध फिर से छिड़ सकता है। देखते रहिए डीबी लाइव।